फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वोकैब 24 को डाउनलोड नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है, तो उसे डाउनलोड और अपडेट करना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद में आपके पास आएंगे प्राइम फीचर्स। आप यहाँ पे प्राइम मेंबर्स बन सकते हैं। देखिए, एक न्यूज़पेपर के भी कम कॉस्ट से आपको काफ़ी मटेरियल है इंग्लिश का जो कि आपको अवेलेबल होगा, प्राइम मेंबर्स को अवेलेबल होगा। और ये ऑफर जो है 999 का, वो सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं कई सारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो आप इसको जल्दी से रजिस्टर कीजिए और प्राइम मेंबर बनिए। फ्रेंड्स, पहला जो आज का वोकैब है, बहुत ही अच्छा वोकैब है, कई बार पेपर में आता है, वो है ड्यूरेस। ड्यूरेस क्या है? नाउन है, जिसका मतलब क्या होगा? थ्रेट, वायलेंस, कॉन्स्ट्रेंट और अदर एक्शन यूज टू कोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल और बेटर जजमेंट। तो किसी पे दबाव देना, किसी को अवरोध करना, किसी को प्रेशराइज करना, उसको अपन ड्यूरेस कहते हैं। सिनोनिम क्या होगा इसका? प्रेशर, कोअर्शन, कंपल्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट या फिर कॉन्स्ट्रेंट। और एंटीम्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंस या फिर लिबरेशन। और एग्जाम्पल, द जज ओवरटर्न द केस बिकॉज द डिफेंडेंट्स अटॉर्नी प्रूव्ड दैट हिज क्लाइंट कन्फेशन हैड बीन गिवन अंडर ड्यूरेस। यानी जज ने क्या किया, केस को बदल दिया, ओवरटर्न कर दिया जजमेंट को, क्योंकि डिफेंडेंट अटॉर्नी ने प्रूव कर दिया कि जो उसके क्लाइंट का कन्फेशन था वो दबाव में दिया गया है। ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। ड्यूरेस यानी कि हार्ड, कोई भी चीज़ जो हार्ड होगी, जो जिस पर दबाव नहीं होगा, उसको कहते हैं। तो देखिए, बड़ी आसान है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लेजेंडरी जो रेसर है, स्प्रिंटर है, वो है उसेन बोल्ट। तो बोल्ट क्या बोलते हैं कि रेस में कभी ड्यूरेस मत करो। तो रेस कभी भी ड्यूरेस में मत करो, यानी कि दबाव में मत करो, बिल्कुल फ्री होके रेस में उतरो, ठीक है। तो बोल्ट बोलते हैं रेस में बिन ड्यूरेस के उतरो। तो रेस, ड्यूरेस, इस तरीके से अपन इसको लेट करके याद कर सकते हैं, रेस और ड्यूरेस को, ठीक है। कि अगर आप रेसिंग में उतर रहे हो, रेस कर रहे हो, तो आप ड्यूरेस के बिना उतरो। ड्यूरेस के मतलब बिन दबाव के, बिन प्रेशर के। डजेंट मैटर आप पहले चैंपियन हो या फिर फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप रेस कर रहे हो तो बिन ड्यूरेस के उतरो। रेस, ड्यूरेस, ओके, देखिए कितने सिमिलर है बोलने में, रेस ड्यूरेस, ठीक है। तो ड्यूरेस का मतलब क्या हुआ? प्रेशर में कोई काम करना या फिर करवाना। नेक्स्ट है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन पोजीशन डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही डेंजरस वाली कंडीशन में हो, अनिश्चित हो, अस्थिर हो, अनसर्टेन, इनसिक्योर, अनश्योर, अनप्रिडिक्टेबल, रिस्की, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। प्रिकैरियस फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, ठीक है। बहुत बार पेपर में, हर दो साल में रिपीट होता है ये एग्जाम में। एग्जाम्पल क्या होगा? आफ्टर लूजिंग द जॉब हर फाइनेंशियल सिचुएशन बिकेम प्रिकैरियस। यानी कि जब उसकी जॉब चले गई तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बड़ी ही अस्थिर हो गई। देखिए इसके रिलेटेड वर्ड क्या होंगे? प्रिकैरियसली यानी कि अस्थिरता से, प्रिकैरियसनेस यानी कि अस्थिरता, और ओरिजिन कहाँ से होगा? लैटिन वर्ड से होगा, प्रिकैरियस यानी कि ऑब्टेन्ड बाय एंटिटी। अब देखिए इसके ट्रिक क्या होगी, बड़ी आसान होगी। प्रिपरेशन नहीं करोगे तो करियर प्रिकैरियस हो जाएगा। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम, अगर आप राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, चाहे आप राइटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तो आपका करियर कैसा हो जाएगा? प्रिकैरियस हो जाएगा। प्रिकैरियस यानी कि बड़ा ही अस्थिर हो जाएगा, अनश्योर हो जाएगा, ओके, अनश्योर, अनसर्टेन होने को अपन कहते हैं प्रिकैरियस। तो प्रिपरेशन नहीं करोगे तो करियर प्रिकैरियस हो जाएगा, यानी कि बड़ा ही अनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रिम्प। स्क्रिम्प क्या है? एक वर्ब है, जिसका मतलब है बी थ्रिफ्टी और परसिमोनियस, ठीक है, इकोनोमाइज। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही किफ़ायत से काम करता है, इकोनॉमी के अंदर रहता है, ठीक है। थ्रिफ्टी भी बहुत अच्छा वर्ड है, थ्रिफ्टी, परसिमोनियस, दोनों ही अपने आप में वोकैब है स्क्रिम्प के साथ में। तो जो बहुत इकोनॉमिकल होता है, स्किम्प होता है, ठीक है, थ्रिफ्टी होता है, फ्रूगल भी बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है। और एंटोनिम्स क्या होंगे? स्पेंड, वेस्ट या फिर स्क्वांडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, आई एम ट्राइंग टू स्क्रिम्प द स्क्रिम्प एंड स्पेंड लेस ऑन फूड दैट आई यूजुअली डू। यानी कि मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ही किफ़ायत से काम करने चलाने की, और जो मैं पैसा फूड पे खर्च करता था आजकल, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। वर्ब फॉर्म्स क्या है? स्क्रिम्प, स्क्रिम्ड एंड स्क्रिम्ड। और ओरिजिन कहाँ से है? ठीक है, स्कॉटिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा मनी स्पेंड करना। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, लोग समर में आइसक्रीम नहीं खाओ तो स्क्रिम्प समझते हैं। तो लोग समर में आइसक्रीम नहीं खाओ, अगर लोग क्या होता है कि लोग समर में अगर आइसक्रीम नहीं खाओ तो स्क्रिम्प समझते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास पैसे हैं, ओके, और समर बहुत है और फिर भी वो आइसक्रीम खाने से मना कर रहा है, तो लोग क्या समझते हैं? स्क्रिम्प समझते हैं। स्क्रिम्प यानी कि बहुत ही किफ़ायती समझते हैं, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमी के अंदर चलने वाला समझते हैं। तो आइसक्रीम को स्क्रिम्प से अपन लेट करके इसे याद कर रहे हैं।
लोग समर में आइसक्रीम नहीं खाओ तो स्क्रिम्प समझते हैं, स्क्रिम्प यानी कि बड़ा ही किफ़ायती। तो आइसक्रीम और स्क्रिम्प सुनने में दोनों एक जैसे हैं, इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रेज एंथुजियास्टिकली, तो किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ओके उसको अपन कहते हैं एक्सटॉल। सिनोनिम क्या होंगे? अप्लॉड, कमेंड, यूलोजाइज, आइडलाइज, लाउड, अक्लेम। तो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट भी हैं यहाँ पे, जैसे कि दिस वन इज इंपॉर्टेंट। साथ में कैस्टिगेट भी इंपॉर्टेंट है जो कि इसका एंटीनम है, ब्लेम, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, सेंश्योर, कंडम। तो ये दो वर्ड आप याद कर सकते हैं इस वोकैब के साथ में। एग्जाम्पल क्या होगा? आई गॉट एंग्री व्हेन माई मदर वुड एक्सटॉल माई ब्रदर्स अकम्प्लिशमेंट एंड इग्नोर ऑल द गुड थिंग आई डिड। यानी कि मेरे को गुस्सा आ जाता है जब मेरी मदर मेरे भाई के जितने अचीवमेंट्स अकम्प्लिशमेंट है उनकी तो तारीफ करती है लेकिन मेरे जो अच्छी चीज़ें करी है मैंने उनको इग्नोर कर देती है। वर्ब फॉर्म्स क्या है? एक्सटॉल, एक्सटॉल्ड एंड एक्सटॉल्ड। और ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। देखिए इसके ट्रिक क्या है। टोल नहीं लिया तो लोगों ने सरकार को एक्सटॉल किया। तो देखिए टोल नहीं लिया, अगर कोई टोल जो है ये आपके जो टोल पे जो पैसे लगते हैं अगर कल कोई सोचो ये बंद हो जाए तो लोग कितनी तारीफ करेंगे सरकार की। तो तारीफ करने को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटॉल करना। ठीक है, अगर टोल बंद हो गए तो क्या लोग सरकार के एक्सटॉल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो एक्सटॉल का मतलब क्या हुआ? तारीफ करना। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूअर्ड। स्टूअर्ड क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? वन हु एक्टिवली डायरेक्ट्स अफेयर्स। तो जो प्रबंधक होता है, जो चीज़ों को मैनेज करता है, जो केयर टेकर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको अपन स्टूअर्ड कहते हैं। केयर टेकर, ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर, रिप्रेजेंटेटिव। और एंटीनम्स क्या होंगे? सबऑर्डिनेट या फिर सबसर्वियंट। यहाँ पर सबसर्वियंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है? वेरी लॉन्ग अगो वुमेन यूज टू बी द स्टूअर्ड ऑफ होम। यानी कि बहुत सालों पहले जो वुमेन थी वो प्रबंधक थी होम्स को लेकर, घरों की। रिलेटेड वर्ड क्या है? स्टूअर्डशिप यानी कि प्रबंधन। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। देखिए जब भी आपने डेंटल वार्ड देखे होंगे, अगर सरकारी हॉस्पिटल में गए होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वार्ड बने होते हैं, डेंटल अलग होगा, ईयर अलग होगा, आई अलग होगा। तो डेंटल वार्ड का ध्यान रखने वाला स्टूअर्ड होता है। तो जो डेंटल वार्ड का ध्यान रखता है वो कौन होता है? स्टीवर्ड होता है। स्टीवर्ड यानी कि जो प्रबंधक होता है जो उसका ध्यान रखता है। तो इस वार्ड को, इस वार्ड से अपन रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि डेंटल वार्ड का ध्यान रखने वाला स्टीवर्ड होता है। स्टीवर्ड यानी कि जो प्रबंधक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, केयर टेकर होता है, जैसे कि ये पर्सन है, ओके। तो डेंटल वार्ड का ध्यान रखने वाला स्टीवर्ड होता है। स्टीवर्ड यानी कि जो केयर टेकर होता है उसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट है मेन स्टे। मेन स्टे नाउन है जिसका मतलब क्या है? समवन और समथिंग ऑन विच समथिंग एल्स इज बेस्ड और रिलाइज। तो मुख्य आधार होना, तो किसी भी चीज़ का जो मुख्य आधार होगा ना, जो मेन चीज़ होगी, सेंटर चीज़ होगी, बैकबोन होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? मेन स्टे कहेंगे। सेंटर पीस, कॉर्नर स्टोन, बैकबोन, बुलवर्क। एंटीनम्स क्या है? वीक पॉइंट। यहाँ पे दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम्पल माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन द मेन स्टे ऑफ माई इंस्पिरेशन। यानी कि जो मेरी मदर है वो हमेशा से मुख्य आधार रही है मेरी इंस्पिरेशन का। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। आपको पता ही है जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जो मूवी का मेन हीरो होता है, वो हमेशा मेन प्लेस पे स्टे करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शूटिंग हो रही है बॉम्बे में तो आपने उसको कहीं बहुत दूर उसको भेज दिया हो, ठीक है, रहने के लिए। ऐसा नहीं है, वो मेन स्टे पे ही प्लेस करेगा, जो मेन होटल होगा या मेन जगह होगी। तो क्या बोल सकते हैं कि मेन प्लेस पे स्टे करने वाला हीरो मूवी का मेन स्टे होता है, यानी कि मुख्य पर्सन होता है, मुख्य धारा होता है। जैसे कि एसआरके, अब ये मूवी के मेन स्टे हैं, मुख्य आधार यही है। तो इस तरीके से अपन मेन प्लेस पे स्टे करने वाला हीरो मूवी का मेन स्टे होता है। इस तरीके से अपन इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, मेन स्टे यानी कि मुख्य आधार होना। नेक्स्ट है रैवेज। रैवेज क्या है? नाउन है जिसका मतलब है कॉज सवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू, बर्बाद कर देना, तहस नहस करना। तो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, वीक करना, डिमोलिश करना, रिविन करना, उसको अपन रैवेज कहते हैं। एंटीनम्स क्या होंगे? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सेव गार्ड। और यहाँ पे हैवक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम्पल इफ डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल इट विल रैवेज मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी। अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा कई सारे ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर। वर्ब फॉर्म्स क्या है? रैवेज, रैवेज्ड एंड रैवेज्ड। ओरिजिन कहाँ से? फ्रेंच वर्ड से, रवाइन से, रश ऑफ वाटर। ओके, आप देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। रावण ने श्रीलंका को रैवेज कर दिया, तो रावण ने श्रीलंका को रैवेज कर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया। अगर रावण ऐसा एक्ट नहीं करता, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, अगर रावण ऐसा नहीं करता तो क्या श्रीलंका बर्बाद होता? ठीक है, बर्बाद नहीं होता, वहाँ पे ये सब वॉर नहीं होती, रामायण नहीं होती। ठीक है, तो रावण ने श्रीलंका को रैवेज कर दिया यानी कि उसके डिसीजन ने क्या कर दिया? रैवेज कर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया। तो रावण और रैवेज देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि रावण ने श्रीलंका को रैवेज कर दिया यानी कि बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है अपना मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक, नुकसानदेह,
ओके, इविल इन नेचर और इफेक्ट, स्पाइटफुल, मेनेवोलेंट, मलिशियस, मलाइन, इविल इंटेंशन, विलफुल, विशियस, कई सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहता है, जैसे कि ये तीनों और ये दोनों। एंटीनम्स में बिनाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, व्हेन द डॉक्टर डिस्कवर्ड अ मैलिग्नेंट डिजीज इन सैम्स बॉडी, दे टोल्ड हिम दैट ही विल ओनली हैड 6 मंथ टू लिव। यानी जब डॉक्टर को एक बहुत ही नुकसानदेह डिजीज मिला सैम की बॉडी में, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सैम सिर्फ 6 महीने के लिए ही अब जिंदा रहेगा। ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है मैलिग्नेंट का। अब देखिए ट्रिक इतनी आसान है, मलिंगा की बॉलिंग हमेशा ही मैलिग्नेंट होती है इंडिया के लिए, तो आपको पता ही है लसित मलिंगा दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से है, तो इनकी जो बॉलिंग होती है उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि 10 ओवर में 70-80 रन पड़ गए। ओके, हमेशा इनकी बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है इंडिया की बैटिंग के लिए, हमेशा कोशिश करती है कि इंडिया इनके 10 ओवर पहले निकल जाए। ठीक है, तो मलिंगा की बॉलिंग हमेशा ही मैलिग्नेंट होती है इंडिया के लिए, तो मलिंगा मैलिग्नेंट इस तरीके से अपन रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। नेक्स्ट है प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिक्वायर्ड एज अ प्रायर कंडीशन, पहले से आवश्यक। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही नेसेसरी है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है, असेंशियल है, उसको अपन कहते हैं प्रीरिक्विजिट। ओके, और यहाँ पे एंटीनम्स बहुत आसान है, सभी दोनों ही बड़े आसान से हैं। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर एज अ प्रीरिक्विजिट फॉर टॉक विद द रेबल्स। यानी गवर्नमेंट ने एक बार बार कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर के लिए बुलाया है ताकि जो ज़रूरत जो नेसेसरी है टॉक वो बात कर सके। अब देखिए ट्रिक इतनी आसान है, प्री और मेंस दोनों एग्जाम पास करने के लिए ये साइट प्रीरिक्विजिट है। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि इसके वाईफाई स्टडी की, अगर आपको किसी भी एग्जाम का प्री और मेंस निकालना है तो आपके लिए ये साइट कैसी है? बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये साइट क्या है? नेसेसरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये साइट कैसी है? प्रीरिक्विजिट है। प्रीरिक्विजिट यानी कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि प्री और मेंस दोनों एग्जाम पास करने के लिए ये साइट प्रीरिक्विजिट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी या फिर इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रीटर अवे। फ्रीटर अवे क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है? टू स्क्वैंडर और डिस्पर्स, टू वेस्ट समथिंग फुलिशली। तो किसी भी चीज़ को गवा देना, व्यर्थ व्यय करना, किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके लिए उसको आपने गवा दिया, उसको अपन फ्रीटर अवे कहते हैं। सिनोनिम देखिए वेस्ट, स्क्वैंडर, स्पेंड फुलिशली। एंटोनिम्स क्या है? यूटिलाइज, अवेल या फिर हार्नेस। अब यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट फिटर अवे योर यूथ टाइम इन वेस्टफुल थिंग्स। यानी कि अपना जो यूथ का जो टाइम है उसको गवाए मत वेस्टफुल थिंग्स के अंदर। वर्ब फॉर्म्स क्या होगी? फिटर अवे, फिटेड अवे एंड फिटेड अवे। ट्रिक क्या होगी? देखिए बड़ी आसान है, तेज़ बाइक चलाने के चक्कर में फीट से फिटर अवे हो गए। तो देखिए ये पर्सन क्या थे? बहुत तेज़ बाइक रेसिंग कर रहे थे रोड के ऊपर, ट्रैक के ऊपर नहीं। ट्रैक के ऊपर बाइक रेसिंग करना अच्छी बात है, लेकिन रोड के ऊपर करना बहुत गलत बात है, ठीक है। तो रोड पे तेज़ बाइक चलाने के चक्कर में फीट से यानी कि पैरों से क्या हो गया? फिटर अवे हो गया, यानी कि पैरों को गवा दिया उन्होंने। ओके, तो किसी भी चीज़ को गवाने को अपन क्या कहते हैं? फिटर अवे। तो फीट को क्या कर दिया इन्होंने? फिटर अवे हो गए, यानी कि व्यर्थ ही गवा दिया। ओके, तो ये आज के अपने 10 वोकैब थे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन का डे पूछा था फ्रेंड्स, जिसमें काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है, वह है नियॉस का। इसका आंसर क्या है? इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी कि द माइंड, जो माइंड है, जो रीज़न के अकॉर्डिंगली आंसर करना, ठीक है, उसको अपन कहते हैं इंटेलेक्ट, जो कि काफ़ी लोगों ने सही किया है। आज का जो क्वेश्चन द डे है वो आपके सामने गिवन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, साथ में आपको कमेंट करके इसको आंसर करना है। और फ्रेंड्स अगर बात करें मैच द कॉलम की, तो जैसे कि अपन डेली इनको रिवाइज करते हैं, वापस से रिवाइज करेंगे। पहला क्या है? मैलिग्नेंट, ठीक है, मलिंगा टीम के लिए मैलिग्नेंट है, यानी कि बड़ा ही नुकसानदायक है। मेन स्टे, जो मेन प्लेस पे स्टे करता है मूवी का मेन हीरो, यानी कि एसआर के मेन स्टे यानी कि मुख्य बिंदु। स्क्रिम्प, समर में आइसक्रीम खाने को, आइसक्रीम नहीं खाई तो लोग स्क्रिम समझते हैं, यानी कि कंजूस समझते हैं। ड्यूरस, बोल्ट ने कहा रेस को ड्यूरस, रेस में ड्यूरस से उतरो, यानी कि बिन दबाव के उतरो। फिटर अवे, ओके, तेज़ बाइक चलाने के चक्कर में फीट से फिटर अवे हो गया, यानी कि गवा दिया। प्रीरिक्विजिट, प्री और मेंस दोनों एग्जाम निकालने के लिए ये साइट प्रीरिक्विजिट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। रैवेज, रावण ने श्रीलंका को रैवेज किया, यानी कि बर्बाद किया। स्टूवर्ड, डेंटल वार्ड के अंदर जो पर्सन है वो स्टूवर्ड है, यानी कि ध्यान रखने वाला है। एक्सटॉल, टोल नहीं दिया, टोल हटा दिया सरकार ने तो लोगों ने एक्सटॉल किया, यानी कि प्रशंसा करी। प्रिकैरियस, ओके, प्रिकैरियस यानी कि प्रिपरेशन नहीं करोगे तो करियर प्रिकैरियस हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जाएगा, अस्थिर वाली कंडीशन बन जाएगी। और ट्रिक बनाओ जाने में, कल देखिए पूजा शर्मा जी ने और साक्षी गुप्ता जी ने दो बहुत अच्छी ट्रिक भेजी है। जैसे मुंबई में फ्लड की वजह से लाइफस्टाइल डूम हो गया, फ्लड और डूम, यानी कि इन्होंने कल का जो कंडीशन है, परसों जो कंडीशन हुई थी उससे रिलेट करके बनाया है।
हालांकि यहाँ पे दो कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। डूम यानी कि आपत्ति आना। मुंबई में फ्लड की वजह से लाइफस्टाइल डूम हो गया, यानी कि खराब हो गया। और साक्षी गुप्ता जी ने कैटरिक बोली है कि डूम की कि जो लोग टाइम बर्बाद करके ग्रूम के साथ रहते हैं वो अपनी लाइफ डूम कर रहे हैं, यानी कि बर्बाद कर रहे हैं। जो ग्रूम के साथ रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि डूम कर रहे हैं। और आज का जो आपका ट्रिक बनानी है वो है रिकोशेट। रिकोशेट वर्ड बहुत अच्छा है, इसके आपको ट्रिक बनाए कमेंट करना है ताकि बाकी लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो सके। सेंटेंस फ्रेमिंग में देखिए, अशोक जी ने और ऋतिक जी ने दो अच्छे सेंटेंस फ्रेम करें। इन्होंने महात्मा गांधी से लेट कराएं 10 वो कैब, और इन्होंने भी गांधी जी से ही लेट करें। ओके, तो उम्मीद है आज भी आप 10 वो कैब यूज़ करेंगे और साथ में हमें भेजेंगे ताकि आपके राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो सके, रीडिंग स्किल्स हो सके, साथ में वो कैब भी इंप्रूव हो सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए देखने के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप GK 24 वो कैब 24 आपने डाउनलोड कर ली होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।